नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बजे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। हम बात करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वीडियो के दोस्तों अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा उसी के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 से फेज टू का कट ऑफ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब अनुमानित कट ऑफ है ये। अब यहाँ देखिएगा इसमें कौन कौन सा रीजन है। मैंने लिया है आरआरसी इलाहाबाद। इलाहाबाद से अगर आपने फिल किया तो इलाहाबाद का कट ऑफ मैं बताऊंगा। जबलपुर, जयपुर हो गया, राजस्थान, बिलासपुर हो गया, कोलकाता हो गया, जबलपुर, मतलब यहाँ पे कितने आरआरसी हो गए, 5 आरआरसी हो गया, ठीक है। 5 आरआरसी के एक साथ मैं कट ऑफ बताऊंगा, जो कि फेज टू में सभी का एग्जाम हुआ था। और फेज टू का एग्जाम आप लोगों को बताया कि 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में हुआ था। तो जैसे जैसे फेज बीतते जाएंगे उसके हिसाब से मैं कट ऑफ का वीडियो लाते जाऊंगा, ठीक है ना। अब पेपर का लेवल कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि पेपर का लेवल कैसा, अटेंडेंस क्या है। अब इलाहाबाद जोन में देखेंगे तो 55% अटेंडेंस होना चाहिए। और इलाहाबाद के जो बच्चे होते हैं, पटना हो गया, इलाहाबाद के बच्चे हो गए, यहाँ पे अटेंडेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अटेंडेंस जो होगा 55% होगा। जयपुर में हो सकता है कि 50 से ऊपर ही होना चाहिए जयपुर में, ठीक है। इतने के आसपास मैं अनुमान लेके चल रहा हूँ कितने अटेंडेंस होंगे। बिलासपुर में कम हो सकते हैं, बिलासपुर में मान लीजिए कि 45% ही अटेंडेंस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि अटेंडेंस क्या है। कोलकाता में बिहार के बच्चे होते हैं, बंगाल के बच्चे होते हैं, तो यहाँ भी मान लीजिए कि 47-48% होगा, मतलब 50 से कम होगा कोलकाता। जबलपुर में एक बार फिर से आपको अटेंडेंस देखने को मिलने वाला है, 53-54% आपको अटेंडेंस यहाँ देखने को मिलेगा, 50 से ज्यादा ही अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अटेंडेंस अगर ओवरऑल देखें तो 50% है। वैकेंसी भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे वैकेंसी है सभी जगह। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाई से क्या है, मॉडरेट है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाई से क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, ठीक है ना। मॉडरेट हाई हो गया क्वेश्चन का लेवल, ठीक है ना, मॉडरेट और हाई हो गया क्वेश्चन का लेवल। तो ये आप लोग को सभी को पता है। कारण क्या है कि इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट पजल जो पूछे जा रहे हैं, उसके चलते बच्चों का अटेम्प्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ही आते हैं। तो औसतन जो नंबर ऑफ है, मैक्सिमम जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट जो कर रहे हैं, वो इलाहाबाद रीजन के मैंने मान लिया 75, क्योंकि इलाहाबाद के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, तो वो 75 कर सकते हैं। उसके बाद जयपुर के बच्चे जो होंगे वो मान लीजिए कि 72 के आसपास अटेम्प्ट हो रहा है। और बिलासपुर में 65 के आसपास, बिलासपुर में थोड़ा कम अटेम्प्ट हो रहा है जो बिलासपुर के बच्चे हैं। और यहाँ पे जो मान लीजिए कि कोलकाता में आपको 70 के आसपास अटेम्प्ट देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। और यहाँ जबलपुर में 72 के आसपास। तो ये तो आपका हो गया अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट हो रहा है वो मैंने बता दिया कि इतने मिनिमम अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं इस बार, तो नॉर्मलाइजेशन का कॉलम क्यों बनाया मैंने। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा, बट परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। मान लीजिए कि आपकी शिफ्ट में आपका क्या आ गया, 100% आ गया, ठीक है। और जो एक बच्चा है उसका कितना आ गया, मान लीजिए कि मिनिमम आ गया 85, मिनिमम मान लीजिए कि एक और बच्चा है जो किसी और शिफ्ट में आपकी तुलना में मान लीजिए 85% है, ठीक है। अब इसका शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड आया, आपका शिफ्ट क्या हुआ, बहुत ज्यादा इजी आ गया, ठीक है। दोनों शिफ्ट में तो को बराबर करना है ना, क्योंकि एग्जाम तो मान लीजिए कितने दिन चले, एग्जाम मान लीजिए 10 से 12 दिन तो चले ही होंगे कम से कम इस पेज में। तो दोनों शिफ्टों को बराबर करना है, क्योंकि इसका 100% नॉर्मलाइजेशन इसके 85% नॉर्मलाइजेशन को बराबर कैसे करेंगे। अगर शिफ्ट हर एक शिफ्ट से एक बच्चे को निकाल लेंगे तो ऐसे कैसे मतलब रिजल्ट बनाया जाएगा, हर एक शिफ्ट से तो एक बच्चे निकाल नहीं सकते हैं। तो उसका एक प्रोसेस है, इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, बट कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। अब मान लीजिए कि आपसे आपके शिफ्ट में आपका कितना आ गया, 100 नंबर आ गया, तो ये आपका मार्क्स मान लिया गया। और दूसरे शिफ्ट में एक बच्चे का आया 85 नंबर, बहुत अच्छा उसने मेहनत किया था, बट उसका क्या आ गया, 85% आ गया। अब इन दोनों को बराबर करके जो भी एवरेज या जो भी इनका तरीका होगा उसमें भी कितने नंबर बढ़ जाएंगे, कम से कम मान के चलिए कि यहाँ पे 5 से 8 नंबर तो आपके बढ़ेंगे, 5 से 8 नंबर आपके बढ़ेंगे सब जगह, 5 से 8 नंबर मिनिमम मान के चलिए कितने मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि 10 दिन का जो पेपर है बहुत ज्यादा तो अंतर होगा नहीं, जो भी मान लीजिए पुराने सिस्टम के हिसाब से ही मान लीजिए कि 5 से 8 नंबर आपके बढ़ने वाले,
मान लीजिए कि अभी आपका रॉ स्कोर कितना आ रहा है, अभी आपका रॉ स्कोर आ रहा है, मान लीजिए कि अभी आपका रॉ स्कोर आ रहा है यहाँ पे 60 आ रहा है, तो शिफ्ट आपका बहुत ज्यादा हार्ड था, तो हो सकता है कि आपका ये मार्क्स कितना हो जाए, 68 हो जाए, ठीक है, 68 किया जा सकता है। बट नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम हुए हैं बहुत कम दिन में हुए हैं, और इतने कम दिन में एग्जाम जो हुए हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं करेगा। 5 से 10 नंबर मैक्सिमम, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में होना चाहिए, मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन जैसे भी होगा, मैंने समझ लिया कि रॉ स्कोर पे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो 10 नंबर से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन अभी आपको नहीं दिखेगा, बट बाद में आपको दिखेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के इतने, मतलब इतने लार्ज स्केल पे ये एग्जाम कराना पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कराना पड़ेगा इनको, नहीं तो बाद में सभी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। केवल आपके शिफ्ट से एक बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, आपके शिफ्ट के सारे बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, इनको सारे शिफ्ट को लेके चलना होगा। और इतने लार्ज स्केल पे जब पेपर को सेट किया जाता है, क्वेश्चन को सेट किया जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी अपने आप क्या होता है, फ्लैक्चुएट करता है, कोई शिफ्ट आसान हो गया, कोई शिफ्ट हार्ड हो गया, तो उन सभी को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और इस नॉर्मलाइजेशन का नाम इन्होंने रखा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। मतलब पहले आपके मार्क्स को परसेंटाइल किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि अब नॉर्मलाइजेशन का जरूरत है, ठीक है ना, तो जो परसेंटाइल किया जाएगा वो शिफ्ट वाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा वो ओवरऑल किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। अब ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो 10 नंबर तक भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ डेज मैंने बता दिया, कितने दिन एग्जाम चले, लगभग 12 दिन एग्जाम चले, यहाँ आप देखेंगे तो कुछ दिन छुट्टी हुई होते हैं, 10 से 12 दिन आपका एग्जाम चला, सब जगह हो गया कितना, 10 से 12 दिन आपका एग्जाम चला, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ डेटा के बारे में कि क्या कट ऑफ जा सकता है, उससे पहले मैंने एक डेटा को तैयार किया। अब यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों यूआर के बारे में बात करूँ, यूआर का जो कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड, ये देखिएगा इलाहाबाद का है, यहाँ पे यूआर का जो एक्सपेक्टेड जा सकता है कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से यूआर का कितना जा सकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 68 के आसपास लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ होंगे, चाहे वो स्कोर कैसा भी हो, नॉर्मलाइज स्कोर हो या रॉ स्कोर हो, अगर रॉ स्कोर 68 आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, कहाँ से, इलाहाबाद से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, यही पे लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए यूआर कर देता हूँ मैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यही पे सबका मैं कट ऑफ लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ये सब डेटा तो आपको पता चल ही गया, थोड़ा सा जगह बना के यही पे कट ऑफ लिखता हूँ, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो जो इलाहाबाद का यूआर का कट ऑफ जाएगा वो मैंने कितना बताया, 68 बताया, 68 कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो 63 के आसपास रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा इस बार। और ओबीसी का कट ऑफ रहेगा 65, मान लीजिए 65 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ रहेगा, और जहां पे ओबीसी का वैकेंसी ज्यादा है वहां पे ओबीसी का कट ऑफ कम जाएगा, मतलब जनरल ओबीसी में गैप देखने को मिलेगा। एससी का कट ऑफ जा सकता है, एससी का 60 नंबर में हो सकता है, और एसटी का 55-56 नंबर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इलाहाबाद रीजन का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद अगर हम बात करें जयपुर के बारे में, तो जयपुर में जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों, जयपुर भी हाई रीजन है, बट यहाँ पे 67 के आसपास जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा इलाहाबाद और जयपुर के बीच में, ये राजस्थान है, ठीक है, तो 67 के आसपास होगा, ठीक है, 66 से 67 मान लीजिए, 66 से 67 के बीच में होगा, ठीक है, इसी के बीच में होगा। उसके बाद जयपुर हो गया, यहाँ पे कितना होगा, 64 के आसपास हो सकता है ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद यहाँ भी 63 ही मानिए, बहुत ज्यादा 65 मान सकते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि 65 के आसपास, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे कितना, ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे 64 के आसपास, ठीक है, 64 के आसपास है तो आप सेफ है ओबीसी के लिए यहाँ पे, या इससे भी कम, 62 ही मानिए, यहाँ ओबीसी कम जाएगा 62 के आसपास, ठीक है।
उसके बाद एससी का कटऑफ कितना जा सकता है, एससी का कटऑफ 58 जा सकता है और ये एसटी का कटऑफ 55 के आसपास जा सकता है, ठीक है, ये मेरा अनुमानित कटऑफ है। बिलासपुर के बारे में बात करें दोस्तों, तो बिलासपुर आपको कम कटऑफ देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा हाई कटऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका 59 प्लस बन रहा है तो आप सेफ है बिलासपुर से, ठीक है, 59 प्लस बनेगा तो सेफ है आप है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 57 भी बन रहा है तो आप सेफ है। उसके बाद आपका ओबीसी से अगर आपका 59 के 58 भी बन रहा है तो भी आप सेफ है, मतलब ओबीसी जनरल बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। उसके बाद एससी के बारे में बात करें, तो एससी अगर है आपका 53 भी बनता है, मतलब 56 भी बनता है, 56 नहीं 55 तक आप सेफ हो जाएंगे, 55। और यहाँ पे एसटी जो है सबसे लास्ट वाला कैटेगरी, यहाँ 50 तक में भी आप सेफ होंगे बिलासपुर में, ठीक है। तो ये बिलासपुर का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा इस बार, और सबसे कम जहां तक मेरा उम्मीद है कि हुबली का सबसे कम फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि हुबली को अलग कर दिया गया है और वहां पे ज्यादा बच्चे भी नहीं है, केवल 7 लाख बच्चे हैं, तो वहां सबसे कम होगा इस बार हुबली का फिर से, वहां जितना भी आरआरबी है उसमें सबसे कम होगा, 50-52 भी जा सकता है हुबली का इस बार, तो हुबली से बच्चों को बहुत अच्छा मौका है। कोलकाता का कटअप हाई देखने को मिलेगा, कोलकाता का 68 के आसपास कटअप होगा, ठीक है, कटअप आपका 68 से 70, 70 से ज्यादा किसी भी रीजन का कटअप नहीं जाएगा, 68 के आसपास होगा या 69 भी हो सकता है कोलकाता, ठीक है, 68 ही जाएगा, 69 नहीं जाएगा, 68 बहुत ज्यादा है इस बार के एग्जाम के अनुसार। कोलकाता थोड़ा हाई रीजन है, वहां बच्चे थोड़ा ज्यादा मेहनत करके जाते हैं तो कोलकाता इसलिए हाई है। उसके बाद अगर देखिए ईडब्ल्यूएस वाला, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ कोलकाता में 65 के आसपास ही जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी 66 के आसपास जाएगा कोलकाता। उसके बाद अगर हम देखें एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी कोलकाता में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मतलब 58 के आसपास आप सेफ हो जाएंगे, और एसटी कैटेगरी जो होगा 50 के आसपास भी सेफ हो जाएंगे कोलकाता में, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब ओबीसी में भी मुझे लगता है कि फ्लक्चुएट करने का चांस है, ओबीसी 63 के आसपास मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेफ होगा। जहाँ कोलकाता में जो डेंजर है वो यूआर कैटेगरी है, वहां पे 68 से लेके 70 तक कटअप जाएगा, बाकी सब कैटेगरी का कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी मुझे लगता है कि 61 नंबर में हो जाएगा, 61 नंबर में हो जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 61 के आसपास में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जबलपुर का है दोस्तों, जबलपुर एमपी में आता है और यहाँ कटअप हाई देखने को मिलेगा, 66 जनरल कैटेगरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 64 है, 62 के आसपास है। ओबीसी कैटेगरी जो देखने को मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी 62 के आसपास है। और यहाँ पे अगर हम एससी कैटेगरी के बारे में बात करें, तो एससी वाले जो सेफ हो जाएंगे 57 में बिल्कुल आप सेफ होंगे, या 57 मान के चलिए। और जो लास्ट कैटेगरी बच गया वो आपका 54 नंबर में सेफ होगा, मतलब एसटी कैटेगरी। तो ये दोस्तों आपको कटअप देखने को मिलने वाला है, खासकर आप ध्यान दीजिएगा जनरल कैटेगरी के ऊपर, जितना मैंने जनरल कैटेगरी का बताया उतना के आसी पास जाएगा, उससे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 1 नंबर का अंतर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली यही जा सकता है, या एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, बट मैंने अपने हिसाब से आपको बेस्ट बताया, क्योंकि यहाँ ये जो फेज टू है यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है, हर एक जोन को देख रहे, केवल बिलासपुर को आप छोड़ देते हैं तो बाकी जो 4 जोन है वो एकदम टफ वाले जोन है। आप एनटीपीसी में भी देखिएगा तो इन 4 जोन का कटअप हाई गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा भी कुछ आपका डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।